Brought to you by ITIL Series. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का स्पोर्ट्स तक में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं खास गेस्ट जिनको आपने IL T20 में एक अलग अवतार में देखा है। बल्लेबाज नहीं है, बल्ले के साथ नहीं, कमेंट्री पैनल का हिस्सा है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र सहवाग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच। खेलना आसान है या कमेंट्री आसान है, ज्यादा क्या एंजॉय कर रहे हैं? कमेंट्री आसान है क्योंकि बोलना ही है, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हो, उल्टा सीधा, अच्छा बुरा। खेलने के लिए तो आपको बड़ी मेहनत लगती है, रन बनाने पड़ते हैं, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, फील्डिंग करनी पड़ती है। तो आई थिंक ये जॉब थोड़ी इजी है, बट ऑब्वियसली जब आप बड़े हो रहे होते हो तब आपको खेलना पसंद होता, तब बोलना पसंद नहीं होता। बट आज जिस एज में मैं हूँ, उस एज में तो मेरे लिए कमेंट्री आसान कमेंट्री आसान है, बट कुछ तो रिसर्च वर्क होता है। आप किस तरह की प्रिपरेशन करते हैं किसी भी टूर्नामेंट या किसी भी मैच से पहले? किस तरह की एक बतौर कमेंटेटर आपकी प्रिपरेशन होती है? देखिए, मैच से पहले जैसे आज मैच है तो हमको सारे दोनों टीमों के स्टैट्स मिल जाते हैं, दोनों टीमों के प्लेयरों के स्टैट्स मिल जाते हैं, दोनों टीमों के सब कुछ मिल जाता है कि भाई इस टूर्नामेंट में किस टीम ने कितने मैच जीतने, कितने हारे। तो वो जैसा आप गो थ्रू करते हो और आप उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करते हो, जैसा आप खेलने से पहले करते थे, दूसरी टीम के गेंदबाजों के बारे में प्रिपरेशन करते थे कि कौन सा बॉलर है, वो क्या करता है, कहाँ डालता है, वैसे ही कॉमेंट्री में भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन तो करके जाना पड़ता है। कोई पर्टिकुलर टीम है जिसने आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है, या कोई खिलाड़ी है जिसने आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है इस पूरे टूर्नामेंट में? आई थिंक टीम है गल्फ जाइंट्स, जिसने काफी इम्प्रेस किया। लास्ट ईयर वो चैंपियन थे, इस बार भी वो नंबर टू पोजीशन पे हैं। और एक प्लेयर है जिसने काफी इम्प्रेस किया, वो रजा जिम्बाब्वे से खेलते हैं और दुबई कैपिटल के जी प्लेयर हैं। तो वो पिछले एक डेढ़ साल में लगभग 19 मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं। तो ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है कि एक डेढ़ साल के अंदर अगर आपको 19 मैन ऑफ द मैच लिए हैं, प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। तो आई थिंक सिकंदर रजा प्लेयर है। मेरा अगला सवाल सिकंदर रजा पे ही था वीरूपा। और जिस तरह से उन्होंने कल रात को खेला है, नाइट राइडर्स के खेला, ना केवल बल्लेबाजी में लेकिन गेंदबाजी में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। और इनके बाद में उनके प्रदर्शन के बारे में लगातार, जिस तरह से आपने खुद भी बताया कि 19 मैन ऑफ द मैच इनाम जीतना, ट्रॉफी जीतना, किस तरह से देखते हैं आप उनको एज अ प्लेयर? वो एक यूटिलिटी प्लेयर हैं, एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं, किसी भी टीम के लिए बहुत बढ़िया हैं क्योंकि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों गजब की करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने बैटिंग से मैन ऑफ द मैच लिए हैं या सिर्फ बॉलिंग से, दोनों से। कल का अगर मैं मैच की बात करूँ तो कल उन्होंने क्रूशल रन भी बनाए जिसकी बदौलत दुबई कैपिटल 190 रन तक पहुंचा और फिर विकेट भी लिए बाद में। तो दोनों बैटिंग बॉलिंग में उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया जिसकी बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच मिला। तो वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं किसी भी टीम में फिट हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो जब जिम्बाब्वे के लिए खेलेंगे इस T20 वर्ल्ड कप में तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे जिम्बाब्वे के लिए और उनको मैचेस जिताएंगे। अपने गल्फ जाइंट्स की बात की और हम अभी दुबई कैपिटल्स की बात कर रहे हैं, तो इस साल का टाइटल आप किसको जीता देख रहे हैं? हु डू यू थिंक विल विन द ट्रॉफी दिस टाइम? इस साल मुझे लग रहा है कि माय एमिरेट्स बहुत बढ़िया खेल रही है, उनकी टीम बहुत बढ़िया है, तो वो नंबर वन है टेबल पर। और उम्मीद यही है कि शायद माय एमिरेट्स इस बार चैंपियन बने। आपने सिकंदर रजा की बात की, सिकंदर रजा जो है आपकी पुरानी आईपीएल टीम पंजाब किंग्स का भी हिस्सा होंगे, आपको लगता है कि उसी तरह का प्रदर्शन वो आईपीएल में भी दिखा पाएंगे? दिखाया उन्होंने कई मैचेस में जब लास्ट ईयर खेले हैं, तो उनको ज्यादा मौका नहीं मिला प्लेइंग 11 में, लेकिन जितना भी मिला उन्होंने काफी इम्प्रेस किया है क्योंकि वहां पर सिर्फ 4 फॉरनर प्लेयर खेल सकते हैं, 4 इंटरनेशनल प्लेयर खेल सकते हैं, जबकि IL T20 की खास बात क्या है, यहाँ पर 9 इंटरनेशनल प्लेयर खेल सकते हैं और 2 UAE के प्लेयर खेल सकते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा मौके मिल रहे हैं, आईपीएल में उनको मौके कम मिले, बट जब जब मिले उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया। तो आपको लगता है कि इस बार वो रेगुलर फेस रहेंगे? होने चाहिए, मैं अगर उस टीम का हिस्सा होता तो जरूर उनको रेगुलर फेस रखता क्योंकि वो एक यूटिलिटी प्लेयर है कि वो बैटिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं और गेंदबाजी तो करते ही कमाल की, तो वो एडजस्ट हो सकते हैं किसी भी टीम में। दो तीन सवाल उसके बाद आई लेट यू गो। पहला सवाल ये कि अगर किसी एक इंडियन खिलाड़ी को अगर आप कमेंट्री पैनल का हिस्सा बनाना चाहेंगे, वो कौन सा खिलाड़ी होगा प्रेजेंट डे? मैं जो जो अभी करंट खेल रहा हूँ, हाँ जी, आई थिंक विराट कोहली।
उनके पास बहुत सारी स्टोरियां हैं बताने के लिए पब्लिक को, नो फैंस को, क्योंकि अभी तक उनकी स्टोरियाज बाहर नहीं आई हैं। तो जब वो कमेंट्री में आएंगे मेरे साथ करेंगे तो वो काफी स्टोरियाज मैं बाहर निकलवा सकता हूँ उनसे। तो आप मिस करें अभी उनको फील्ड पे देखना। कौन नहीं मिस कर रहा, पूरा देश उनको मिस कर रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जहां भी हैं खुश होंगे, तो उनका परिवार सही होगा और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द क्रिकेट फील्ड पे लौटेंगे। जी बिल्कुल, एक लास्ट सवाल और उसके बाद आई लेट यू गो। एक छोटा सा रैपिड फायर खेलूंगी मैं आपके साथ, आपको बताना क्या एक चीज है जो आपके माइंड में आती है जब मैं इन चीजों के बारे में बात करती हूँ। जी यू हैव टू बी वेरी क्विक। अब स्टार्ट जी करते हैं। IL T20 सेकंड बेस्ट टूर्नामेंट, दुबई लाइफ, वेरी गुड। बिगेस्ट प्रैंकस्टर हरभजन सिंह, शोएब अख्तर, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। मुझे ये गाना याद आ रहा है हरभजन जब उनका सिंह। नाम याद। एमपी साहब, विराट कोहली, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, बुमराह, जसप्रीत बुमराह। नो रिप्लेसमेंट फॉर बुमराह, हिटमैन, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, तूफान, बैसबॉल, सहवाग स्टार्टेड दैट, बूम बॉल, बूम बॉल, मुझे नहीं पता क्या है। इट्स नेम्ड आफ्टर बुमरा, द वे ही बोल्ड इन द वाइजैक टेस्ट मैच। तो जिस तरह से बैसबॉल है उसी तरह से अब कहा जा रहा है, अश्विन ने इनको नेम दिया है कि बूम बॉल इज द न्यू गेम मतलब स्टॉपर। वो बूम बॉल का नाम आता है तो वो एक यॉर्कर याद आते जिन पे उन्होंने पॉप को आउट किया था, यॉर्कर। बहुत बहुत शुक्रिया विरूपा आपसे बात करने के लिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।